इंटीग्रल में मॉडुलस का क्वेश्चन है 1 to 4 मॉड एक्स माइनस 5 डी एक्स। मॉड के अंदर जो भी टर्म होती है अगर हम उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो उससे जो एक्स की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। मतलब इस ब्रेक पॉइंट पे अगर हम चेक करें 5 ले लेते हैं, 5 से कम वैल्यूज पे ये हमेशा नेगेटिव रहेगा और 5 से ज्यादा वैल्यूज पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव रहेगा। तो 5 से कम वैल्यूज पे ये नेगेटिव है और हमारी जो इंटीग्रल की लिमिट्स है वो 1 to 4 है। 1 to 4 मतलब लेस देन 5। तो लेस देन 5 पे इस मॉडुलस की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस 5 होगी। तो इसको हम 5 - x भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 to 4 5 - x dx। जब हम लिमिट्स लगा इंटीग्रल लेंगे तो 5x - x² / 2 और लिमिट्स होंगी नीचे 1 ऊपर 4। पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे 5 into 4 = 20 माइनस यहाँ पे 4² = 16, 16/2 = 8। फिर नीचे वाली लिमिट लगाएंगे, पहले इसको ऊपर वाली को लगा के ब्रैकेट में रख दो, फिर नीचे वाली लिमिट 5 into 1 = 5 माइनस 1² / 2 = 1/2। 20 - 8 = 12, 12 - 5 + ½, 12 - 5 = 7, 7 + ½, तो आंसर इज 15/2।